सो हेलो फ्रेंड्स, HTML टैग ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोग्रेस टैग और मीटर टैग के बारे में। ये प्रोग्रेस टैग क्या होता है, मीटर टैग क्या होता है HTML के अंदर, ये कुछ एडवांस फीचर दिए गए हैं दोस्तों, इनके बारे में हम लोग बिल्कुल डीपली इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, कुछ नया आप सीख के जाओगे कि मीटर टैग कैसे यूज़ किया जाता है, प्रोग्रेस टैग कैसे यूज़ किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों का यूज़ होता है एक वेबसाइट के अंदर, तो इस टॉपिक को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, सब लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मीटर टैग कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा अपनी एप्लीकेशन खोल के रखी हुई जहाँ पे हम लोग कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने इस कोर्स को स्टार्टिंग से देखा हुआ है तो आपको बिल्कुल सब चीज़ें मालूम होंगी और आप तुरंत मेरी बात को समझ जाने वाले हो। अगर आपने नहीं देखा है तब भी आप समझ जाओगे, बस आपको फोकस ज़्यादा करना होगा। तो अब मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको उस कोर्स को सही से देखना होगा, कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी पूरे HTML की, तभी आप सीख पाओगे अच्छे से। तो सबसे पहले आप HTML की बॉयलर प्लेट खुली रखी है। बॉयलर प्लेट का मतलब होता है कि सिंपल, जो जितना ज़रूरी है कोड उतना तो होना ही चाहिए। मतलब कि जैसे कि ये हेड टैग मतलब ऊपर का हिस्सा, बॉडी टैग मतलब बीच का हिस्सा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग कोडिंग करते हैं बॉडी टैग के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग को यूज़ करना होगा, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ मीटर टैग। तो हम लोग लिखते हैं मीटर, तो मीटर टैग यूज़ किया, अब ये ओपन हो गया, क्लोज हो गया। मीटर टैग के अंदर हम लोग वैल्यू नाम का एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, तो लिख लेते हैं वैल्यू। ठीक है, अब वैल्यू में अभी मैं आपको बताऊं तो मीटर के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मीटर किस किस चीज़ों का हो सकता है, तो मीटर हो सकता है मान लीजिए किसी चीज़ का, मान लीजिए आपने गाड़ी में देखा होगा सबसे ज़्यादा मीटर उसी में यूज़ किया जाता है स्पीड के लिए। ठीक है, तो स्पीड के लिए आप मीटर लगाते हो, गाड़ी में लगा होता है। उसके बाद टेम्परेचर के लिए कि रूम में कितना टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर के लिए, या फिर प्रेशर के लिए कि मतलब प्रेशर कितना है, प्रेशर नापने के लिए, इन्हीं कुछ चीज़ों में होता है जहाँ पर मीटर यूज़ करते हैं। अब मीटर की वैल्यू यहाँ पे 0 से लेकर 100 तक होती है, तो आप 100 से ज़्यादा भी रख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100 से ज़्यादा नहीं होती, पर निम्नम किसी भी मीटर में देखोगे तो एक लास्ट काटा होता है जो 0 और अधिकतम से अधिकतम होता है 100। अब ये काटा 0 से हो सकता है 10, 20, 30, 40, 50 और 100 तक आ सकता है, इस तरीके, इसे ही मीटर कहते हैं। तो इसको कैसे क्रिएट करना है, अभी हम लोगों ने मीटर टैग यूज़ किया, तो यहाँ पे देखिए एक मीटर टाइप का आ तो गया है। यहाँ पे इसको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे एक देखिए मीटर टाइप का आ चुका है, पर अभी ये खाली है, इसको भरना कैसे। तो वैल्यू अभी हम लोग जब तक यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम नाम की वैल्यू नहीं देते हैं तब तक यहाँ पे 0 का मतलब होता है 0। ठीक है, 0 का मतलब होता है 0 और 100 का 1 का मतलब होता है 100। ठीक है, जब तक हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम नाम का एट्रीब्यूट नहीं देते। अब मिनिमम नाम का जो एट्रीब्यूट होता है दोस्तों वो क्या होता है, मिनिमम का मतलब होता है कम से कम। ठीक है, कम से कम, इतना आप जानते होंगे, कम से कम। ठीक है, और मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक। तो यहाँ पे मैं आपको हर चीज़ लिख के बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आए, अधिक से अधिक। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम नाम का एट्रीब्यूट जब तक यूज़ नहीं होता है तब तक यहाँ पे 0 का मतलब होता है कि 0%। ठीक है, 0 का मतलब होता है 0% और 1 का मतलब होता है 100%। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पे 0 वैल्यू लिखते हैं, तो जब 0% है तो यहाँ पर मीटर में कुछ 100 नहीं होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर 0 हटा देते हैं और लिख देते हैं 1, तो यहाँ पे ये होगा कि ये पूरा फुल हो गया, क्योंकि 1 का मतलब होता है 100%, अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे 100% पूरा ये फुल अप है। अब इसको हम लोग करना क्या होगा, हम लोग को मिनिमम और मैक्सिमम नाम का एट्रीब्यूट देना होगा। तो उसको देने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं MIN मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम, अब मिनिमम हमारा 0 होता है तो हमने 0 दे दिया। फिर लेंगे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम होता है 100 तक, आप 200 रख सकते हो अगर किसी ज़्यादा चीज़ को पावर को दिखा रहे हो, पर 100 जहाँ तक सभी मीटर में होता है। अब हम लोग दिखाए हैं तो यहाँ पे भी बॉक्स खाली है। अब हम लोग वैल्यू के अंदर रखते हैं 20, मतलब मेरी गाड़ी चल रही है 20 पे, अभी मैंने मान लीजिए 20 पे रेंज ले रखी है, तो यहाँ पे मैंने 20 लिखा वैल्यू, तो ये देखिए मीटर 20% भर गया यहाँ तक, देखिए ये। ठीक, अब उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्पीड, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा मीटर के आगे आपको लिख देना है स्पीड। मान लीजिए गाड़ी का मीटर है आपकी बाइक का, तो स्पीड उसी में आप देखते हो, तो उस तरीके से यहाँ पे हम लोग स्पीड के लिए ही मीटर तैयार कर रहे हैं मानते हैं। ठीक, स्पीड के लिए, तो अभी यहाँ पे 20% है इतनी। ठीक है, अभी हम लोग इसी चीज़ को अगर चाहें तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 60,
तो वैल्यू को हम लोग यहाँ पे 60 कर देंगे, तो यहाँ पे 6 लगा देते हैं इस तरीके से, तो अब यहाँ पे 60% भर जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे 70 कर दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे 70 कर दूँ तो ये 70% भर जाएगी। ये होता है मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। अब अगर हम लोग पूरा 100% कर देते हैं यहाँ पे, इसको 100% कर दें, तो देखना पूरा बॉक्स भर जाएगा। अब अगर हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि अगर आपने गाड़ी चलाई होगी दोस्तों, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि जब लास्ट में 90 पार करता है कांटा, 90 से 100 के बीच में जब होता है, तो देखना रेड कलर का हो जाता है, वहाँ पे रेड कलर का सिंबल ऐसे से बना होता है, ठीक है। और जब इधर क्या कहते हैं 0 से 20 तक का होता है, तो ग्रीन कलर का सिंबल होता है या फिर येलो कलर का सिंबल होता है। तो यहाँ कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे 100% हो गया है, फिर भी इसका कलर नहीं चेंज हुआ। यहाँ पे मीटर के अंदर कलर चेंज हो जाना चाहिए, यहाँ पे पूरा हरा दिखा रहा। तो हमें ये करना है कि जब ये 20 से कम आए, मैं आपको बता दूँ, जब ये 20 से कम आए तो इसका कलर येलो हो जाए, और जब ये 90 से ऊपर जाए तो इसका कलर येलो हो जाए। मतलब जैसे ही यहाँ पे इधर आता है 90 से ऊपर, तो इसका कलर येलो कलर का हो जाना चाहिए, ठीक है। और जैसे यहाँ पे इधर कांटा आता है 20 के पास, तो इसका कलर येलो कलर का हो जाना चाहिए। तो इसको सेट करना होगा कैसे, तो सबसे पहले हम लो रेंज लिखते हैं। तो लो लिखा हमने LOW लो, ठीक है, तो लो लिख देते हैं। तो लो नाम का एट्रीब्यूट हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया। लो की देनी कितनी लिमिट, तो यहाँ पे देखिए इस ऐप पे कुछ होता ये है कि अगर आप स्पेस सही से यूज़ नहीं करते हो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत टेक्स्ट में चेंजमेंट आने लगता है, तो उसको सही कर लेते हैं। अब हमने लो रखना है 20 से कम, तो यहाँ पे 20 लिख देते हैं, ठीक है, कि मतलब 20 से जैसे ही कांटा नीचे जाता है तो येलो कलर का हो जाए, ठीक है। अब लिखते हैं हाई, तो हाई लिखा। हाई के लिए कितना यूज़ करना है, 90 से जब ऊपर जाए कांटा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे 100% लिखा हुआ है। अभी मैं इसको कम से कम लिखता हूँ 80 लिख देता हूँ। अब देखिए 80 जो है हमारा ना, ये 20 से कम है, 80 जो है ये ना हमारा 20 से कम है, ठीक है, 20 से कम तो नहीं है, और ना ये 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा भी नहीं है। तो इस कारण से यहाँ पे ना ये येलो, ना ज़्यादा इसलिए येलो हुआ, ना कम है ना इसलिए येलो हुआ, इसलिए ये ग्रीन है। अब हमको मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 91, 90 से ज़्यादा होता है, मतलब 91, 90 से ज़्यादा होता है, तो देखिए यहाँ पे ये येलो कलर का हो गया इस तरीके से, ये यहाँ पे येलो कलर का हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 15, जो कि 20 से कम होता है, तो यहाँ पे 15 लिख देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये येलो कलर का हो गया। जो चीज़ 20 से कम होगी वो येलो हो जाएगी, जो 90 से ज़्यादा होगी वो येलो हो जाएगी, ठीक, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अगर यहाँ पे हम लोग 18 लिख देते तो क्या यहाँ पे येलो होगी, जल्दी कमेंट में बताइए मुझे। 18 लिखेंगे तो यहाँ पे येलो होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि वो 20 से कम है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको एक यहाँ पे और एट्रीब्यूट होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, उसका नाम है यहाँ पे ऑप्टिमम। ऑप्टिमम नाम का एट्रीब्यूट क्या होता है, ऑप्टिमम का मतलब होता है एक कॉमन लेके चलना। मान लीजिए आपकी स्पीड, आप कहते हो कि भाई मैं 40 तक ही चलाता हूँ, मैं 30 से 40 के बीच में ही गाड़ी चलाता हूँ, तो ये कॉमन स्पीड हो गई आपकी। मान लीजिए 30 स्पीड आपकी कॉमन स्पीड है, तो हम लोग ऐसे ही ऑप्टिमम लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 30, इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, या फिर हम लोग लिख दें 50, इससे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, पर यहाँ पे पता रहता है कि ऑप्टिमम मतलब कॉमन वैल्यू इतनी तो इतनी होती ही है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ चीज़ों के बारे में और जानते हैं। यहाँ पे मीटर टैग पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग को यहाँ पे BR लगा देना, BR मतलब ब्रेक लाइन, और अब हम लोग को समझना है प्रोग्रेस टैग के बारे में। प्रोग्रेस टैग काफ़ी थोड़ा दिलचस्पी टैग है। यहाँ पे हम लोग अक्सर प्रोग्रेस टैग को देखते हैं जब भी कुछ डाउनलोड वगैरह करते हैं, पर हम लोग जानते नहीं कि इसको प्रोग्रेस टैग कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओपन करते हैं प्रोग्रेस टैग इस तरीके से, तो और यहाँ पे लिख देते हैं डाउनलोडिंग, ठीक, इतना लिख दिया। अब इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक तरीके का कि ये ग्राफ है, ये ग्राफ आ चुका है यहाँ पे, इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे ये ग्राफ आ चुका है, और ये देखिए अभी वैल्यू इधर उधर हो रही है, वैल्यू ज़्यादा जा रही है कम जा रही है, ज़्यादा जा रही है कम जा रही है। अब आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हो, मान लीजिए आपने मेरी कोई भी वीडियो YouTube की डाउनलोड पे लगा दी, कोई भी वीडियो डाउनलोड पे आपने लगा दी, ठीक है, अब वो 10 MB की 20 MB हो गई, मतलब हमारी टोटल वीडियो है 100 MB की, ठीक है, और फिर 20 से 30 हुई,
फिर 30 से 40 हुई, ठीक है, 40 से फिर आपकी 50 हो जाएगी, ऐसे करते करते वो 100 MB पूरी डाउनलोड हो जाएगी। पर मुझे ये बताइए, क्या वो 10 MB से जब 20 MB की हो गई है तो क्या वो वापस से 10 MB हो सकती है? ऐसा तो नहीं है। अगर मान लीजिए वो 30 से 40 MB की हो गई है और मैं सोचूं क्या वो 20 MB की फिर पहले जैसी हो जाएगी? नहीं ना। मान लीजिए कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हो तो डाउनलोड करते समय बढ़ती है ना कि घटती है। एक बार वो बढ़ेगी, मान लीजिए 10 MB 15 MB 16 MB, फिर उसके बाद में 20 MB 50 MB ऐसे बढ़ेगी ना। ये तो नहीं कि पहले 10 हो गई, 15 हो गई, 18 हो गई, फिर 11 आ गई, ऐसा नहीं है। तो इसमें हम लोग दो एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। एक तो हमारा वैल्यू हो गया, जो कि हम लोग को बताना होता है कि कितने परसेंट हुई है, तो वैल्यू, और दूसरा हमारा मैक्सिमम। तो हम लोगों को सिर्फ इतना डिसाइड करना है कि हमारी जो फाइल है वो कितने एमबी की है। 100 MB की है तो 100 हो जाएगा मैक्सिमम, 200 MB की है तो 200 हो जाएगा। मिनिमम डिसाइड नहीं करना होता, मिनिमम 0 से ही वो स्टार्ट करेगा, ये चीज़ होती ही होती है, ठीक है। और वैल्यू ये देनी कि अभी कितनी हुई है, वैल्यू का मतलब होता है अभी कितने परसेंट डाउनलोड हुई है। तो वैल्यू हम लोगों ने मान लीजिए 50 दे दी, तो 50 MB मतलब 50% डाउनलोड हो गई है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊँ, सिर्फ HTML के अंदर हम लोग डाउनलोडिंग का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों को आनी चाहिए जावा स्क्रिप्ट। अब हम लोग जब जावा स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे तब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हम लोग को डाउनलोडिंग वाला ग्राफ कैसे यूज होता है, मतलब जैसे जैसे डाउनलोड होता जाए वैसे वैसे ये भरता जाए पूरा। अभी हम लोग सिर्फ सिंपल से इसको जान लेते हैं कि कैसे यूज होता है, क्योंकि अभी ये चीज़ करके नहीं दिखाई जा सकती, उसके लिए जावा स्क्रिप्ट यूज़ होगा, वो मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं मैक्सिमम, इसको थोड़ा स्पेसिंग ले लेते हैं, प्रोग्रेस और मैक्सिमम भी का मैक्सिमम दे दिया हमने 100, मतलब मेरे 100 MB की कोई चीज़ है 100% जब हो जाएगी तो वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद मैंने दे दी वैल्यू, तो वैल्यू हमने दे दी, वैल्यू मैं कितनी दे सकता हूँ यहाँ पे दे देता हूँ 40, ओके। वैल्यू पे ये ध्यान दीजिएगा कि आप जो कोटेशन मार्क लगाते हैं वो आपका सही से लगा होना चाहिए। अगर आप ये कहीं पे कोटेशन मार्क की गलती करते हो तो आपका वो एट्रीब्यूट कभी कभी वर्क नहीं करता है। अब मैंने 40% दिए तो ये पूरा 100% का है। आपको मैं दिखाऊं, ये पूरा 100% है, यहाँ से 0% से स्टार्ट हुई है और अभी कंप्लीट हुई है जाके 40%। फिर अगर मैं यहाँ पर वैल्यू कर देता हूँ 70, तो ये 70% जब अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पर 70 तक आ जाएगा, ठीक है ये चीज़। अब ये ऑटोमेटिक कैसे घटेगा बढ़ेगा, ये चीज़ होती है जावा स्क्रिप्ट से। मैंने आपको बताया कि ये चीज़ जावा स्क्रिप्ट से ही डिसाइड होगी, कि जावा स्क्रिप्ट जब लॉजिक क्रिएट करती है तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक नेट के अनुसार बढ़ता रहता है कि 10 MB 20 MB 50 MB 100 MB। तो आज की वीडियो में आपको क्या क्या जानने को मिला, आपको जानने को मिला एक यहाँ पे सबसे पहले जो टैग मैंने बताया मीटर टैग से ये ऊपर वाला क्रिएट हुआ कि मीटर टैग कैसे क्रिएट किया जाता है। दूसरा आपको यहाँ पे प्रोग्रेस टैग, तो प्रोग्रेस टैग से प्रोग्रेस बार क्रिएट किया जाता है। आई होप आज की वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। मैंने जिस तरीके यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की कि छोटा से छोटा पॉइंट भी मैं कहीं स्किप ना करूँ, जो समझा रहा हूँ वो आपको बिल्कुल क्लियर होता चले कि यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ। अगर मैंने मीटर भी बनाया आज, मीटर टैग का यूज़ किया, तो मैंने बताया कि कौन सा मीटर है, आप समझोगे यार कौन सा बिजली वाला मीटर, नहीं, जिस तरीके के मीटर होते हैं उन्हीं मीटरों में से एक मीटर यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। अगर मैं यहाँ पर एक टैग भी लिखता हूँ तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये टैग मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है पेज के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो में ज़्यादा मज़ा आता होगा, इसलिए क्योंकि आपको एक पॉइंट कवर होता रहेगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, नए आए हो तो कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि पूरे कोर्स यहाँ पे अपलोड होते हैं, काफी ज्यादा कोडिंग सिखाई जाती है, करियर काउंसलिंग भी आपको मिलती है। आज की वीडियो में बस इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, जय हिंद जय भारत।